मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज लोकसभा में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया और ये जवाब उनका पूरी तरह से पॉलिटिकल और 2024 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा यानी एक उन्होंने एजेंडा सेट किया और उन्होंने साफ साफ कह दिया। और उन्होंने जो जिस लहजे से कहा कि एनडीए को 400 और भाजपा को 370 सीटें मिलेंगी, ये जनता जनार्दन ने तय कर दिया है। और कांग्रेस को और अपोजिशन को जिस ऊंचाई पर वो आज है उससे ऊंची ऊंचाई पर जाएगी, यानी जितनी वो इसमें मिनिमम लो स्टेज पर आ गई है उससे भी नीचे जाएगी। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस ऐसा समय आएगा कि कांग्रेस दर्शक दीर्घा में बैठेगी, यानी हाउस के नीचे नहीं बल्कि ऊपर जहाँ से लोग देखते हैं सदन की कार्यवाही वो जाने वाली है। तो आज इस पे हम चर्चा करते हैं क्योंकि उनका आज 99 मिनट का भाषण था और लगभग अब सबसे कि 1.25 घंटे का भाषण। और इस पूरे भाषण में उन्होंने कांग्रेस की खिंचाई की और कांग्रेस की खिंचाई इसलिए भी करनी चाहिए कि जो 2 दिन की चर्चा हुई है राष्ट्रपति के अभिभाषण के जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया उस पर जो 2 दिन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस के अपोजिशन के जितने लीडर्स ने उस पर उन्होंने सब ने मोदी और बीजेपी पर आक्रमण किया, उन्होंने हमला किया, खूब उनकी बुराइयां की। तो उन सब का मोदी ने चुन चुन कर और ब्याज सहित आज जवाब दिया। कई बातों पर उन्होंने चर्चा की, जैसे उन्होंने कांग्रेस की स्थिति के बारे में बताया कि कांग्रेस डिनाइल मोड पर यानी कैंसिल मोड पर है। जब भी हम बात करते हैं कि भारत का विकास हो रहा है तो कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं कि इतने लोगों को गैस मिली है तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस डिनाइल मोड पर है, तो इसलिए कांग्रेस का जनता जनार्दन ने तय कर लिया है कि ये पार्टी अब नीचे 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 ही जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो दर्शक दीर्घा पर में बैठेगी। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे प्रतिभावान युवा युवा लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं, पर कांग्रेस उनको नहीं बोलने देती, इसलिए कि अगर प्रतिभावान युवाओं ने बोला तो एक व्यक्ति की जो छवि है वो दब जाएगी। यानी उनका इशारा सीधे सीधे राहुल गांधी की तरफ था कि अगर यहाँ कोई नेता बोलता है तो राहुल गांधी की छवि खराब हो जाती है, यानी उनको ऐसा लगेगा कि ये इनकी जो जो इमेज है और खराब हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस बार बार एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है और उस लॉन्च के चक्कर में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां ताला लगाने की स्थिति आ गई है, यानी फिर राहुल गांधी पर अटैक कि जो राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो वो अपनी यात्रा में कुछ ना कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे अटैक किया कि राहुल गांधी ये जो है ऐसे प्रोडक्ट है जो कांग्रेस उनको बार बार पेश कर रही है लेकिन वो असफल हो रही है, उसके कारण कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी खराब है कि अब अगर कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कांग्रेस के जो नेता है वो शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा शिफ्ट कर गए, गुलाम नबी आज़ाद पार्टी शिफ्ट कर गए, और उन्होंने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया लेकिन ऐसे मीडिया की खबरें हैं कि सोनिया गांधी शायद या तो राज्यसभा में चुनाव लड़ेगी, राज्यसभा में आएगी यानी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, और अगर लड़ेगी तो हैदराबाद से लड़ेगी जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस उनको सेफ सीट उनको लेकर चलेगी। क्योंकि इस बार बीजेपी का कहना है कि उत्तर प्रदेश से कोई नहीं जीतेगा, पिछली बार वो एक सीट मात्र जीती थी, सोनिया गांधी के राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, और इस बार चूंकि राम मंदिर बन चुका है और कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया था, कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता थे, बड़े बड़े उनके वकील थे जैसे अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इन सारे वकीलों ने ये साबित करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में कि श्री राम वास्तव में नहीं थे, ये एक कल्पना है, ये एक सिर्फ एक किताब में लिखी हुई एक कहानी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को एक पार्टी बनाया था, यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया राम मंदिर का, जो जमीन अलॉट की जहां आज राम मंदिर बना है, उस मंदिर की जमीन के लिए राम मंदिर रामलला एक पार्टी थे, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था कि वो पार्टी नहीं है, वो तो एक काल्पनिक एक चरित्र थे। तो अब चूंकि वो तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी हैं और उन्होंने पूरी जमीन
रामचंद्र जी के नाम को दी, उन्होंने हिंदू पक्ष को दिया और वहाँ आज भव्य मंदिर बन गया। और इतना विशाल भव्य मंदिर बना है कि अभी 22 जनवरी उसका बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सारी दुनिया ने देखा। तो इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि अब तो उसके पास वहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये भी कांग्रेस ने लिख के दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो राम सेतु है वो भी काल्पनिक है, राम सेतु के कारण जो वहाँ एक ढांचा है उसके कारण इकोनॉमी खराब हो रही है, तो उसको तोड़ना चाहिए। यानी वहाँ जो मार्ग को चौड़ा बनाने के लिए, या वहाँ जहाज अभी जो छोटे छोटे जहाज वहाँ चल पाते हैं, बड़े जहाज नहीं जा पाते हैं, जिनको श्रीलंका से गुजरना पड़ता है, श्रीलंका का लंबा चक्कर काटना पड़ता है, तो वो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा। तो बाद में जो बाकी लीडर थे उन्होंने उसका बहुत विरोध किया, तो इसलिए राम सेतु टूटने से बच गया। तो बीजेपी ने टारगेटेड उनको उन उन मुद्दों पर घेरा है जिन मुद्दों पर जन भावनाएं हैं, यानी पब्लिक राम कृष्ण इस पर तो हमारे देश की, यानी जो हमारा हिंदू समाज है उसकी जन भावनाएं हैं और अगाध प्रेम है, तो ये इसको घेरा। एक उन्होंने जो बड़ी बात कही कि जो जो परिवारवाद है, परिवारवादी पार्टी कौन है, उन्होंने आज स्पष्ट किया, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि हम जो बीजेपी है वो कांग्रेस को कहती है परिवारवादी पार्टी, लेकिन बीजेपी में तो है जो जिनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके घर से चुनाव लड़ रहे हैं, और कई हैं, एक नहीं है, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे उत्तर प्रदेश से MLA हैं, अमित शाह के बेटे BCCI के सेक्रेटरी हैं, और प्रमोद महाजन की दो बेटियाँ, एक बेटी उनकी सांसद हैं और एक बेटी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थी, और बहुत सारे, यही नहीं बहुत सारे हैं जो बीजेपी के नेता, उनके पुत्र जो है नेतागिरी करते हैं। तो आज मोदी ने कहा कि एक परिवार से 10 लोग अगर अपनी हैसियत से, अपनी पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से अगर उन्होंने नेतागिरी करते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं या विधायक बनते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए, युवा लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन जो लोग एक परिवार पार्टी चलाती है, एक परिवार डिसीजन लेता है, एक परिवार के लोगों को महत्व दिया जाता है, वो पारिवारिक पार्टी है। नाम नहीं उन्होंने लिया, पर उन्होंने इशारा किया, जैसे कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD, जैसे कि समाजवादी पार्टी, जैसे कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में अब देखिए कि एक लीगेसी है, जो जवाहरलाल नेहरू की लीगेसी है, वो इंदिरा गांधी को गई, फिर जब राजीव गांधी को, फिर अभी सोनिया गांधी को, फिर उसके बाद राहुल गांधी को, तो ये उन्होंने कहा। और उन्होंने फिर पहली बार नाम लिया राजनाथ सिंह और अमित शाह का, क्योंकि राजनाथ सिंह पर ये आरोप लगते हैं, आरोप नहीं मतलब लोग कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि राजनाथ सिंह के बेटे भी तो राजनीति में, तो राजनाथ सिंह के बेटे अपने कारण राजनीति में, वो राजनाथ सिंह के कारण नहीं है, उन्होंने युवा मोर्चा में आए, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने जो बाकी युवा मोर्चा के लोगों ने काम किया उन्होंने भी किया, चुनाव लड़े, विधायक बने, और वो इस समय नोएडा की जो गौतम बुद्ध नगर सीट है वहाँ से वो विधायक है। तो इस तरह से आज उन्होंने स्पष्ट किया कि जो नेता के पुत्र जो पार्टी नहीं चलाते, अगर उनके बेटे चुनाव में आते हैं, तो वो परिवारवाद नहीं है। जो परिवार पार्टियाँ चला रही हैं, अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ा रही हैं, वो परिवार है। तो असली ये भी उन्होंने क्लियर किया, और ये तो उन्होंने बता ही दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस जो है वो दशक दीर्घा में हो गई, यानी उनके नंबर इतनी कम हो गई। तो दरअसल ये जो लोकसभा का सत्र है वो आखिरी सत्र है, जो 9 फरवरी को खत्म हो जाएगा, और उसके बाद 15 फरवरी को लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो इसलिए अभी ले देकर 1 महीना 1.5 महीने का समय बचा है, कि जो सब लोग अपने अपने चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, बीजेपी की तैयारियां पूरी है, सिर्फ उन्होंने टिकट डिक्लेयर करने हैं। तो इसलिए उन्होंने आज जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया वो लोकसभा की तैयारियों के लिए उन्होंने रोड मैप सेट कर दिया, कि अब हम इस मैप को लेकर चलेंगे कि हमें 400 सीटें जितनी है और कांग्रेस को जितना मिनिमम कम ला सकते हैं उतना हमें करना है। तो ये उन्होंने एक टारगेट सेट कर दिया। कल यानी 6 फरवरी को राज्यसभा में प्रधानमंत्री का जवाब होगा, जैसे आज लोकसभा में हुआ, ऐसे ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर वो जवाब देंगे। तो कल वो इसी रोड मैप को रिपीट करेंगे और कुछ और बातें करेंगे। बीजेपी ने भी अपनी अपनी तैयारी की है, और बीजेपी ने कहा है कि जितने चूंकि उनको इसमें लोगों को एक पेश करना उनके सामने पार्टी की, इस पार्टी में बहुत कुछ है, इस पार्टी के लोग जी जान से जुटे हुए हैं और उनको सरकार में आना है,
तो इसलिए वो जितने उनके मंत्री हैं उन मंत्रियों को लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, जो राज्यसभा में है जो लोकसभा के मंत्री हैं उनको तो लड़ेंगे लड़ेंगे, राज्यसभा के लोग भी लड़ेंगे, तो इसलिए उनको चुनाव लड़ाना है। और दो तीन मंत्री जैसे एस जयशंकर हैं या निर्मला सीतारमण, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी मंत्री चुनाव लड़ेंगे। और जो राज्यसभा में बाकी हैं जो विनेबिलिटी है जिनकी, जो जीत सकते हैं, उनको भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, इसलिए कि एक माहौल बने। जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कितने सारे सांसदों को और जो बड़े नेता थे उनको उन्होंने टिकट दिया और वो सब फिर चुनाव जीते, तो पार्टी का जो एक लग रहा था कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी मध्य प्रदेश में तो वहाँ बीजेपी जीत गई। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने किया कि सांसदों को टिकट दिया तो वहाँ बीजेपी जीत गई। राजस्थान में भी आपने देखा कि 7-8 सांसदों को टिकट दिया था वो सब जीत गया। तो माहौल बनाने के लिए उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जो राज्यसभा में, जो मंत्री हैं वो लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे लोगों के मंत्रियों के टिकट भी कटेंगे, सांसदों के टिकट भी कटेंगे, वो पार्टी ने वो भी तय कर दिया। वो हमें ऐसा लगता है कि 10-15 दिन में बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। तो ये जो आज का जो माहौल था वो बेसिकली 2024 के चुनाव के लिए एक रोड मैप सेट करने का था, और उसके लिए आज प्रधानमंत्री ने 99 मिनट का भाषण दिया, और कल देखते हैं कितना लंबा भाषण वो देते हैं, तो हम कल तक इंतज़ार करते हैं। मित्रों, अगर आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, मैं उस पर चर्चा करूँगा, और अगर आपके कोई डिमांड हो कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।